अब ये एलडीएडी ग्रुप है सी, ऑक्सीजन में एक बेटे खास ऑक्सीजन जल्दी पॉजिटिव चार्ज आपके ऊपर बर्दाश्त नहीं क्या बीइंग सेकंड नेगेटिव इन द पीरियोडिक टेबल, अपने ऊपर याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, कांट हैंडल द पॉजिटिव चार्ज। जो आपका क्वेश्चन अराइज होगा अभी यहाँ पे अराइज होगा, तो रिमेम्बर दिस पॉइंट दैट ऑक्सीजन can't handle the positive charge as is very much left negative. अगर किसी रिएक्शन में पॉजिटिव चार्ज आता भी है तो फटाफट उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं या वो इतनी स्टेबल नहीं होती। अब देखो बेटे ये एल्डिहाइड ये डबल बॉन्ड है, ये जो ग्रुप होता है दैट इज पोलर इन नेचर, ये पोलर क्यों होता है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन चेंज की पार्टिकल नेगेटिव है ये पार्ट से पॉजिटिव, ठीक है ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल क्योंकि ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ग्रुप क्या हो जाता है बेटे पोलर इन नेचर, ठीक है। अब इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन है सीएन, ठीक सीएन नेगेटिव तो पहले आपने ये अटैक करो, पहले आपने ये अटैक करेगा। अब ऑक्सीजन में तो पहले इलेक्ट्रॉन खींचने नेगेटिव है इसके ऊपर, ये कहाँ अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ये कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है अपनी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, लेके आ रहा है ना, तो इसको इस बॉन्ड की जरूरत नहीं, इस बॉन्ड की जरूरत नहीं है, तो ये यहाँ पे आके लगेगा कार्बन की वैलेंसी कितनी है, हाइड्रोजन को निकालना, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, अगर ये CN यहाँ पे आगे लग जाए वैलेंसी बढ़ती है तो ये बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज बर्दाश्त कर सकते हैं पॉजिटिव नहीं, समझ आ रही है, तो ये बॉन्ड का शिफ्ट हो गया इस तरफ, तो आप CN कहाँ लगा यहाँ पे आके और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो एच बचा है वो इसके साथ लग सकता है, ये एच पॉजिटिव आएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव ऑलरेडी है ये न्यूट्रलाइज होके ये ऐसा कंपाउंड बन सकता है, ठीक है। और व्हाट इज माइनस ई इफेक्ट, मास का मास का ठीक है। अब ध्यान से समझे इस बात को, माइनस ई में क्या हुआ, जहां पे अटैकिंग रिएजेंट लगा, यहां लगा ना इस कार्बन पे, उसी साइड डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, उसके ऑपोजिट एटम पे शिफ्ट हुआ, कल प्लस ही किया था, देखो
जहां पे अटैकिंग रिएजेंट लगा था डबल बॉन्ड वहां ही शिफ्ट हुआ था, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां शिफ्ट हुए थे, जहां पे अटैकिंग रिएजेंट आके अटैक किया था, आज पाई इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट एटम पे शिफ्ट हुए हैं। गेटिंग माई पॉइंट? इन प्लस ई, जहां पे अटैकिंग रिएजेंट आके अटैक करता है वहां ही पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। इन माइनस ई, जहां पे अटैकिंग रिएजेंट आके अटैक करता है उसकी ऑपोजिट एटम पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, या एडजेसेंट एटम पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, उसी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। व्हाट द पॉइंट? सो टू कंक्लूड इट, वी कैन से जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हम करेंगे क्लास 12th में, और तब आपको ये चीजें आनी चाहिए, तब आई विल से यू हैव डन इन क्लास प्लस वन, एंड आई डोंट नीड कि मेरे ये वाले बच्चे तो ब्लैंक ना बैठे हों। ठीक है, जब हम ये स्टेटमेंट बोलते हैं कि यस यू हैव डन, ठीक है, कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में माइनस ई इफेक्ट लगता है and they undergo a nucleophilic addition reaction, okay, and alkene mein kaun sa effect laga hai, plus e, and they have undergone electrophilic addition reaction, got it, samajh aa rahi hai? अब आ जाओ बेटे रेजोनेंस। रेजोनेंस इवन यू हैव डन इन केमिकल बॉन्डिंग, बट लेट अस डू रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में रेजोनेंस नहीं आएगी तो बेंजीन की प्रॉपर्टी स्टडी नहीं होगी। ठीक है, ऑर्गेनिक में रेजोनेंस आना बहुत जरूरी है। ठीक, सो व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट? रेजोनेंस क्या बेटे? डीलोकलाइजेशन। रेजोनेंस यू हैव डन, देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इट इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई, अकेले पाई होते हैं, लाइक इन दिस बेंजीन में, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। There is a delocalization of pi electrons, or if you have like CO3 2 negative, in this there is no delocalization of pi electron, there will be also delocalization of non bonded electrons. तो carbonate का structure कैसे बनाते हो? Carbonate आया कहां से है? H3CO, H2CO3 से कार्बन, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, विद H यहां पे होगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, विद H यहां पे होगा। अब H चला गया, इसकी वजह से यहां पे क्या आ गया बेटे? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब डीलोकलाइजेशन में जब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले वो डीलोकलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहां आएंगे और ये ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना? ठीक है, ये भी हो सकता था कि ये शिफ्ट हो जाए और ये ऐसे चला जाए, तो ये भी शिफ्ट हो सकता है ना, ये नहीं हो सकता? हो सकता है, तो आप इसको भी शिफ्ट करो। तो हमने क्या देखा? डीलोकलाइजेशन हुई, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हुए, मतलब अपनी पोजीशन से हिले। कौन से?
इस केस में पाई भी और नॉन बॉन्डेड भी, ठीक है। जब रेजोनेंस होती है तब वो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। क्यों? अब आपके सिर पे, सबके सिर पे ईंटें पड़ी हैं, ठीक है, आपके पास फिनोमिनन है रेजोनेंस का। रेजोनेंस में क्या कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए आपके सिर में से ईंट उठ रही है, दूसरे के सिर के ऊपर जा रही है, फिर दूसरे से उठ रही है, तीसरे के सिर के ऊपर जा रही है, ऐसे ही हो रहा है ना। थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन उठ रहे हैं, दूसरे के पास पहुंच रहे हैं। जितनी देर तक इलेक्ट्रॉन उठते हैं और दूसरे के पास पहुंचते हैं, उसमें एनर्जी कम होती है। आप भी थोड़ा हल्का महसूस करोगे कि सिर से ईंटें चली गई हैं थोड़ी देर के लिए, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। जब डी लोकलाइजेशन होती है, मूवमेंट हो रही है, तो सिस्टम की एनर्जी यूज हो रही है, यूज हो रही है कि नहीं हो रही है। जब सिस्टम की एनर्जी यूज होगी तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड के बनेंगे उतना वो ज्यादा स्टेबल होता जाएगा, समझ आ रही है। और जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिमिलर होंगे वो और स्टेबल होगा। जैसे कि बेंजीन की केस में दोनों सेम है, कोई फर्क तो नहीं है, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया, दोनों सेम है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ होगा। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो स्टेबल होगा, अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तब भी वो स्टेबल होगा। उससे उल्टा कोई ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने जब इलेक्ट्रो नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो भी स्टेबल नहीं होगा। विल डू अभी बेंजीन में देखेंगे अभी, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटे जितने हो बहुत बढ़िया, सिमिलर हो उससे भी बढ़िया, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सब एक जैसे हो, जैसे ये एक जैसे हैं। अगर एक में डबल बॉन्ड है दोनों में नेगेटिव चार्ज है, एक में डबल बॉन्ड है दोनों में नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों तीनों कंपेयर करो, देखा जाए अल्टीमेटली वही आंसर आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सिमिलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये भी अच्छा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है। अभी फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे आप तो देखोगे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वो भी अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है, समझ आ रही है, गेटिंग माई पॉइंट। तो हम बेंजीन के रिलेटेड बेटे प्लस आर और माइनस आर आपने समझना है, क्योंकि नहीं तो बेंजीन की एक भी प्रॉपर्टी बाद में स्टडी नहीं होनी आपसे। गेटिंग माई पॉइंट, लिसन टू मी केयरफुली नाउ, व्हाट इज प्लस आर एंड माइनस आर? नाउ प्लस आर फर्स्ट, अगर मैं सिंपल दिखाऊं, इसे कहते हैं बेटे विनाइल क्लोराइड, दिस इज नोन एज विनाइल, ये याद कर लो विनाइल, इस ग्रुप को विनाइल कहते हैं, ये याद होना चाहिए, क्लास 12 तक याद होना चाहिए, इट इज नोन एज विनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? विनाइल। अगर ये देखो लोन पेयर है, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और ये यहाँ जा रहा है, तो ये चेन में ये वाला ग्रुप, ये वाला क्लोरीन नो डाउट माइनस आई के कारण इलेक्ट्रॉन खींचता है, किया था ना कल, माइनस आई इफेक्ट होता है इसका सीएल का, मगर साथ ही ये सीएल प्लस आर के कारण इलेक्ट्रॉन देता भी है, समझ आ रही है। माइनस आई के कारण खींचता है कौन से, सिग्मा, मगर प्लस आर के कारण इलेक्ट्रॉन देते भी हैं, समझ आ रही है।
तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये जो एक बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए हुए, यहां नेगेटिव आ गया, सिंगल बॉन्ड सी एच, यहां पे क्या आ गया डबल, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर क्या आ गया। अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो कौन सा स्टेबल है, ये वाला, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, ठीक है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ, ठीक। तो अगर इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर करोगे तो स्टेबल कौन सा है, ये वाला कम है। अब हमने क्लोरीन का क्या देखा, ये प्लस आर दिखा रहा है, ठीक है, प्लस आर, ये अनसैचुरेटेड चेन में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इट इज गिविंग द इलेक्ट्रॉन, गेटिंग माय पॉइंट। अब लेट अस सी विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन, अब ये यहां से ही बनाना सीखो, बाकी डिटेलिंग हम जब बेंजीन करेंगे। ये बेंजीन बनाओ, बस सपना मैम आई नहीं, उन्होंने को अगर नहीं आए आज मैम द 10th एज नहीं है, ये नाम है पढ़ानी, टेंथ ही जगह देखी, अच्छा मैम एक्स्ट्रा वियर लगे, शिव भैया टेंथ सी कौन पढ़ाता है, लॉगिन आईडी शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है, आए गए, मैं खुद करती हूँ, फिफ्थ पीरियड, ये हमने बना लिया, ध्यान से समझो इसको, ये एक बात हमेशा याद रखना, अब जो बात बोलने जा रही हूं मैं, जरूरी नहीं है जो माइनस आई वाले हैं वो माइनस आ रही होंगे, पहली बात, ये बच्चे हमेशा पजल रहते हैं कि ये जो क्लोरीन है तो इलेक्ट्रॉन खींचते है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, ये माइनस आई है, ये मगर साथ में प्लस आर है, ये हमेशा याद रखो, जो बेंजीन रिंग के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, जिसके पास लोन पेयर हो, वो प्लस आर ही है, राइट डाउन ऑफ प्लस आर वाले कौन कौन से, पहली बात, सारे के सारे हैलोजन ग्रुप प्लस आर है, चाहे वो माइनस आई क्यों नहीं है, समझ आ रही है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन सारे प्लस आर है, ठीक है, ओ एच एल्कोहल ग्रुप प्लस आर है, चाहे वो माइनस आई है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है, ठीक है, ईथर ओ आर, जो इंपॉर्टेंट वाले याद रखो, दैट इज प्लस आर, अमीन्स प्लस आर, इसके अलावा बेटे एल्काइल ग्रुप, चाहे उसके पास लोन पेयर नहीं है, एल्काइल के पास नहीं है, फिर भी वो प्लस आर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन को हम आगे करेंगे, ठीक है, एल्काइल ग्रुप सी एच थ्री कोई भी लगाओ एल्काइल ग्रुप, ये भी प्लस आर, ये आपने हमेशा याद रखना है, इस एल्काइल को छोड़ के सारे माइनस आई हैं, पर साथ में प्लस आर है, सिर्फ क्योंकि प्लस आई तो हमने एक एल्काइल ही किया केमिस्ट्री में,
उसके अलावा माइनस आई सारे हैं। अब चाहे एल्काइल सिर्फ प्लस आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्लस आर नहीं है, बाकी सारे ये प्लस आर ही हैं। समझ आई पहली बात, लिख के रखो। अब माइनस आई में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रो, मेन मेन ग्रुप लिखो। एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नाइट्रो, दीज ऑल आर मेन ग्रुप विच आर शोइंग माइनस आर। ये क्लास 12 तक चलना है आपका। देन आई विल से वी हैव डन एंड देन यू विल नॉट बी सिटिंग इन ब्लैंक जैसे हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। ये सारे माइनस आर हैं। अब देखो प्लस आर क्यों है। ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन गिराते हैं, दे गिव द इलेक्ट्रॉन टू द रिंग। अब कैसे देखो, ये मैंने क्लोरीन लगाया बेटे, ये जो दो लोन पेयर हैं ये इधर जाएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां गए गए, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन का बना हुआ, तो यहां पे क्या जाएगा एक बॉन्ड। मगर ये वाले कार्बन की टेट्रावेलेंसी हिलेगी, हिलेगी कितने बॉन्ड, ये अंडरस्टूड डेबिट है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, बेंजीन में यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे लगी हुई बेंजीन होती है C6H6। इट इज अंडरस्टूड कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगी हुई है बेंजीन पे। अब यहां से एक हाइड्रोजन गई हुई है तो यहाँ पे क्लोरीन आई हुई है, इट इज बिट अंडरस्टूड। ठीक, अब इस कार्बन को देखो ध्यान से, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा और एक ये रहा, टोटल कितने हैं फोर। अगर आप ये यहां शिफ्ट करते हो तो कितने बन जाते हैं फाइव। तो ये क्या होते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इट विल फॉर्म लाइक दिस। ठीक है, अब ये क्या पा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन, तभी हमने नेगेटिव शो किया। अब ये दो इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे, यहां से ये फिर से बाहर आएंगे। ठीक है, देन ये फिर से अंदर जाएंगे और ये फिर से यहाँ पे बाहर आएंगे। अब कईयों को तो याद ही नहीं होता, अब ये याद रखना, ये जो बॉन्ड है ना जहां पे ये खत्म हो रहा है वहां पे बाहर निकालना, ये बॉन्ड है जहां पे ये खत्म हो रहा है यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब ये यहाँ नेगेटिव आया, अब ये फिर से अंदर जाएगा और ये फिर से इसको वापस मिल जाएगा। अब पहले रिंग ऐसे थी, अब रिंग ऐसे होगी, देखो सुमृति अब आपकी डाउट कल।